नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जसपाल सिंह। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल गिल ट्रक बॉडी समाना पर। जैसे आप देख सकते हो, ये बिहार की ये गाड़ी है, BR28GA4544 गाड़ी का नंबर आप देख सकते हो। गोपालगंज जिला की ये गाड़ी है और 37, 18, 14 चक्का। इस गाड़ी का फुल काम हमने करवा कर दिया है, कोई आपको एक्स्ट्रा पैसा नहीं देने की ज़रूरत है। चाहे वो रेडियम काम हो, चाहे वो प्रेशर हॉर्न हो, या म्यूजिक सिस्टम हेडलाइट हो, वो सब काम आपको हम इस वीडियो के जरिए में बताएंगे और काम का भी आपको दिखाएंगे। जो हमारी वर्कशॉप पड़ती है, जो पंजाब में पड़ती है, डिस्ट्रिक्ट पटियाला सिटी समाना, आप नीचे दिए गए हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर हमें फ़ोन कर सकते हैं, 9041144223। सबसे पहले हम गाड़ी के फ्रंट से शुरुआत करते हैं। फ्रंट में आप देख सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो आप ऊपर हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है, गुड्स कैरियर सारा, इस सारा काम जो हुआ है ऊपर की तरफ बोर्ड में आप देख सकते हो, वो सारा स्टील वर्क हुआ हुआ है। यहाँ पर देख सकते हो आप नेशनल परमिट, ये सारा बहुत ही सफाई के साथ ये सारा काम हुआ हुआ है, ऑल ओवर इंडिया परमिट। और डबल आई कैट्स देख सकते हो आप सामने की तरफ लगे हुए हैं, और स्टील खंडे यहाँ पे आप साथ में देख सकते हो, स्टील खंडे आप साथ में लगे हुए हैं, और स्टील सीढ़ियाँ देख सकते हो आप, वो भी साथ में लगी हुई है, और रेडियम का देख सकते हो आप सामने काम रेडियम का लगा हुआ है। वाइपर मशीन देख सकते हो आप बिल्कुल नीचे सेट की हुई है, जहाँ पर कारों की तरह जैसे आ रही है आजकल वैसे सेट की हुई है। गोल्डन टच आप देख सकते हो बिल्कुल ठीक सामने, गोल्डन टच भी साथ में दी हुई है यहाँ पर देख सकते हो। और एलईडी लाइट्स यहाँ पर देख सकते हो, डबल एलईडी लाइट्स हम साथ में यहाँ पर लगा कर दी है दोनों तरफ। और यहाँ पर देख सकते हो बम्पर फटी आगे बनाई हुई है, और यहाँ पर देख सकते हो आप माँ का आशीर्वाद गोल्डन टच। और डबलिंग का काम आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको डबलिंग का काम आपको मिलेगा बाहर की तरफ भी और अंदर की तरफ भी। यहाँ पर देख सकते हो प्रेशर हॉर्न देख सकते हो आप फिट किया हुआ, और ये बम्पर के नीचे भी आप फिट करवा सकते हो, अगर जिसको आवाज़ ज़्यादा चाहिए तो वो सामने बिल्कुल सामने करवाता है। और बिहार वगैरह में इसका चलान नहीं है, तो यहाँ पर देख सकते हो। अगर साइड की बात करें तो साइड स्टील आप देख सकते हो, ऊपर सारा जो टूल बॉक्स बना हुआ है सारा स्टील का टूल बॉक्स बना हुआ है, 37 सारा देख सकते हो आप। साइड में देख सकते हो आप स्टील का काफ़ी काम हुआ हुआ है, स्टील का 5 इंची गोला यहाँ पर लगा हुआ है, और यहाँ मेटेलिक पेंट हुआ है, इंडियन कलर पेंट हुआ है, तिरंगा कलर यहाँ पर देख सकते हो आप। और कनेक्टर साइड देखने के लिए जैसे हम इधर खड़े हैं तो ड्राइवर को हम आसानी से दिख पाएंगे, वहाँ पर देख सकते हो आप ड्राइवर सीट आसानी से दिख रही है, उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। और स्टील रिम है, अगर वो आप लगाते हैं तो उसका ही चार्ज होता है, वो अलग अलग हिसाब से रहते हैं। बाकी बॉडी कैबिन का A to Z काम हम करवा कर देंगे, यहाँ पर देख सकते हो साथ में यहाँ पर क्रॉस भी लगा हुआ है, इधर से भी उधर से भी यहाँ पर देख सकते हो। अगर हम गाड़ी के कैबिन की बात करें तो कैबिन में हम आपको दिखा देते हैं, यहाँ पर देख सकते हो सारा 3D कैबिन बना हुआ है। और इस गाड़ी का कैबिन का हम नाइट व्यू भी वीडियो के लास्ट में ज़रूर दिखाएंगे, वो भी आप ज़रूर देखना। यहाँ पर देख सकते हो आप सबसे पहले सारा 3D डिज़ाइन लगा हुआ है, देख सकते हो सीट का बजा आप देख सकते हो, बहुत अच्छी क्वालिटी की यहाँ पर सीट का बजा आपको साथ में मिलेंगे, पिलो आपको साथ में दे रहे हैं यहाँ पर। और अंदर से देख सकते हो आप डबलिंग का काम भी अंदर से यहाँ पर हुआ हुआ है, और जो आपका मिरर है कनेक्टर साइड का उसको आप यहाँ पर लॉक भी कर सकते हो अपने हिसाब से, और सफाई वगैरह करने के लिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलती है, और TKO तेल डालने के लिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलती है यहाँ पर देख सकते हो आप। और जो भी आगे बॉक्सेस हैं उसमें हम आपको एक बार दिखाने जाते हैं, डबल सरमाइका हम लगा कर देते हैं यहाँ पर देख सकते हो आप, डबल सरमाइका यहाँ पर साथ में रहता है। और बॉक्सेस आगे देख सकते हो आप, ऊपर सामान वगैरह रखने के लिए पूरी ऑप्शन रहती है, ब्लोअर की यहाँ पर ऑप्शन रहती है, म्यूजिक सिस्टम सामने लगा हुआ है। यहाँ पर देख सकते हो भोलेनाथ जी के परिवार का मंदिर, माता रानी जी का मंदिर बना हुआ है ये सारा। और जो फ्रेम है शीशे के देख सकते हो, बहुत हैवी फ्रेम यहाँ पर बनाए हुए हैं, कोने वगैरह लगाकर 1.5 इंच एंगल के साथ सारा हैवी काम यहाँ पर किया हुआ है। यहाँ पर आगे मंदिर वगैरह में देख सकते हो पूरी डेकोरेशन की हुई है, ऊपर देख सकते हो छत में आपको लाइट्स का काम बहुत ही अच्छी तरह से मिलेगा, पूरी सफाई के साथ हर एक काम को हम करते हैं यहाँ पर देख सकते हो आप। पीछे 2 स्पीकर्स रहेंगे म्यूजिक सिस्टम के लिए, और यहाँ पर देख सकते हो आप स्टील का सारा काम रहेगा ऊपर देख सकते हो आप, और यहाँ पर पाइप रहेगा पीछे कपड़े वगैरह टांगने के लिए, और पीछे 3D सुंदर डिज़ाइन ट्राले के डिज़ाइन सीनरीज आप लगवा सकते हो अपने हिसाब से। सीट बेल्ट्स देख सकते हो आप सामने, फायर स्टॉप सेफ्टी के लिए यहाँ पर ऑप्शन रहता है कनेक्टर साइड पर। और ये देख सकते हो गियर लीवर का जो बॉक्स है वो पूरा पूरा काटा हुआ है, आराम से आप 3 बंदे यहाँ पर गाड़ी में अंदर बेड से सो सकते हैं। प्रेशर हॉर्न देख सकते हो आप, वहाँ पर प्रेशर हॉर्न की भी यहाँ पर फैसिलिटी रहती है लॉक करने के लिए, यहाँ पर आपको रेलवे लॉक, ट्रेस्को लॉक और चिटकिन लॉक और लंबी चाबी वाला लॉक आपको साथ में मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हो जो वाइपर मशीन है वो बिल्कुल नीचे सेट की हुई है, उसके आप सारे बोर्ड्स डाले हुए हैं,
यहाँ पर देख सकते हो साइड देखने के लिए यहाँ पर आपको साइड मिरर्स मिलेंगे, उसके बाद आप ऊपर से भी आपको मिरर मिलेगा, और फ्रंट देखने के लिए आपको यहाँ पर फ्रंट में आपको डेकोरेशन मिरर्स आपको साथ में मिलेंगे। बाहर से हवा आने के लिए यहाँ पर आपको हवा देख सकते हो आप, यहाँ पर आपको विंडो दी जाती है, सामने की तरफ आपको मिरर्स लगाए हुए हैं, यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर मिरर्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। और सभी जो बॉक्सेस हैं वो देख सकते हो आप, लॉक बॉक्सेस हैं, लॉक कर सकते हो आप, और मैग्नेटिक बॉक्सेस यहाँ पर साथ में बनाए हुए हैं। जैसे आप देख सकते हो पीछे जो बॉक्स रहता है वो मैग्नेटिक बॉक्सेस यहाँ पर रहते हैं, यहाँ पर देख सकते हो आप, नीचे नहीं आएगा ढक्कन आपकी पीठ के, जब आप सामान वगैरह रखेंगे तो पीठ के बल नहीं लगेगा। देख सकते हो सफाई का सारा, पूरा सफाई का सारा काम किया हुआ है पूरी फिनिशिंग के साथ। और चलिए हम बॉडी का आपको रिव्यू दिखाते हैं। यहाँ पर देख सकते हो बॉडी में जो हमने काम किया हुआ है वो टोटल 11 बत्ते गाड़ी में बॉडी में डाले हुए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो। और जो स्टील लगी हुई है वे 6 फीट 72 इंच की स्टील लगी हुई है, और उसके बाद ऊपर लकड़ी लगी हुई है 12 इंच की लकड़ी लगी हुई है, 8 इंच और 4 इंच की, उसके ऊपर चैनर और उसके ऊपर डी पाइप लगा हुआ है। जो बॉडी को जो एंगल इस्तेमाल हुआ है वो ओवरलोड के लिए हिसाब से, यहाँ पर देख सकते हो सेल का यहाँ पर सारा 65mm 6mm का एंगल लगा हुआ है। और सबसे खास बात देख सकते हो जो 6 फीट की स्टील है वो नीचे से यहाँ पर बेंड की हुई है 1.5 इंची, तो वो बहुत ही खास बात हमारी हो जाती है, कोई बॉडी बिल्डर आपको बेंड कर नहीं देता चादर। और साइड देख सकते हो साइड स्टील पार्ट से भी आपको हम साथ में लगा कर देंगे। और यहाँ पर देख सकते हो जो लाइट्स हैं यहाँ पर पार्किंग लाइट्स, वो ज़्यादा से ज़्यादा लंबी गाड़ी है हम लगा कर देंगे साथ में आपको, यहाँ पर देख सकते हो आप। और काबे का सबसे मेन बात जो बॉडी के नीचे होते एडुए, वो मलेशिया साल के एडुए लगे हुए हैं, यहाँ पर देख सकते हो जफ़े भी डाले हुए हैं कस्टमर के हिसाब से। यहाँ पर देख सकते हो एडुए पे आप जोका देख सकते हो, यहाँ पर भी आपको जोका, और उस साइड भी आप देख सकते हो जोके लगे हुए हैं। प्रेशर टैंकी है वो गाड़ी की अंदर की हुई है। और सबसे खास बात जो फर्श है उसमें कोई कील नहीं डाली हुई, यहाँ पर देख सकते हो चैनल लगाए हुए, चैनल पर वेल्डिंग की हुई है, और साथ में बोर्ड्स का इस्तेमाल भी हुआ है। और जो वायरिंग है वो सारी देख सकते हो आप बिल्कुल क्लिप टू क्लिप की हुई है, यहाँ पर देख सकते हो आप। इस प्रकार से भी आप यहाँ पर भी देख सकते हो आप, यहाँ पर भी आपको जैक लगाने के लिए यहाँ पे देख सकते हो आप लंबा चैनल दिया हुआ है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि जो चादर वगैरह लगाते हैं या कोई तो वो उखड़ जाती है। तो इसके अलावा हमने पूरा चैनल 4 इंची चैनल का इस्तेमाल किया है, और साथ में बोर्ड्स भी डाले हुए हैं, और यू क्लैंप ऊपर से डाले हुए हैं, और साथ में यहाँ पर देख सकते हो आप चैनल लगे हुए, वेल्डिंग की हुई है फर्श के साथ। और टायरों को जहाँ पे साफ़ करने के लिए यहाँ पे कुंडे लगे हुए हैं, ताकि यहाँ पर आप ट्यूब वगैरह बांध कर आप टायर को और सजावट दे सकते हैं। और ये देख सकते हो जो कि जो आपका पत्ती काम है ये भी बढ़ाई हुई है, 4-4 पत्ती पीछे और 2-2 पत्ती आगे बढ़ाई हुई है, ये भी यहाँ पर बढ़ जाती है, इसकी कोई दिक्कत नहीं आती यहाँ पर। और यहाँ पर देख सकते हो स्टीलर पर कुंडी लगी हुई है, आपको बॉडी की चादर पर कुंडी लगी है। टोटल 5 एंगल हमने डबल किए हैं बॉडी में, यहाँ पर देख सकते हो पहला एंगल डबल डमी एक्सल के पीछे और आगे, मेन एक्सल के फिर आगे तीसरा एंगल, और लिफ्ट एक्सल के आगे, और जो दूसरा एक्सल है उसके पीछे ये डबल एंगल किया हुआ है। और साइड खिड़की देखो, 2 साइड खिड़की इस गाड़ी की बॉडी में रखी गई है, कनेक्टर साइड और ड्राइवर साइड। साथ में यहाँ पर पार्ट्स लगा हुआ है, यहाँ पर सामान वगैरह इजिली उतारने के लिए, यहाँ पर देख सकते हो आप लोहे का यहाँ पर 5mm का चक्रब्रेड का फर्श लगा हुआ है, ये आप प्लेन भी लगवा सकते हैं, और अगर आपको डब्बीदार चाहिए तो आप यहाँ पर डब्बीदार भी लगवा सकते हैं। और पीछे देख सकते हैं आप यहाँ पर चैनल्स लगे हुए हैं, और लकड़ी बरकर पूरे हैवी सपोर्ट दी हुई है, नीचे से भी डो को पूरी सपोर्ट दी हुई है, और कांटी का डिज़ाइन यहाँ पर डला हुआ है। स्पेयर पाइप आपको यहाँ पर साथ में मिलेगा, स्पेयर पौड़ी और स्पेयर सरिया। और पीछे हम डाले की व्यू की बात करते हैं, पीछे आप देख सकते हो टोटल पीछे 4 फट्टे लोहे के बने हुए हैं, यहाँ पर देख सकते हो शेर का डिज़ाइन बना हुआ है, और पीछे पत्ती का काम हुआ हुआ है, और डबल संगल गाड़ी को लगे हुए हैं यहाँ पर देख सकते हो आप, क्योंकि गाड़ी का डाला जो है 42 इंच का है और बहुत ही हैवी डाला हमने बनाया, उसमें आपको खास बात हम बताते हैं। यहाँ पर डबल संगल लगे हुए हैं, और जो लकड़ी लगी हुई है रोकने के लिए उस पर देख सकते हो आप पत्ती लगी हुई है, उस पर बोल्ट्स का काम इस्तेमाल हुआ हुआ है ताकि वो लकड़ी ख़राब ना हो। और नीचे की तरफ आप देख सकते हो नीचे भी आपको डबल डबल चेसिस में बोल्ट लगेंगे, और यहाँ पे भी आपको 5mm की चक्र प्लेट चादर लगी हुई है बत्ते पर, जैसे वगैरह आराम से धक्का लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। और यहाँ पर देखो चेसिस में भी आपको यहाँ पर प्लेट लगी हुई है, और फिक्स जाली गाड़ी की बनाई हुई है, पाँव बादरी रखी हुई है, पाँव रखने के लिए यहाँ पर ऑप्शन रहते हैं, क्योंकि डाला बड़ा होता है।
तो वहाँ पे देख सकते हो आप नीचे बम्पर है जो वो पूरा लिफ्ट किया हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर लिफ्ट किया हुआ है। बैक गियर में देख सकते हो आप, जहाँ पे बैक गियर लाइट्स आप जो हमें साथ में मिलेगी। और डाले की बहुत ही ज़्यादा अहमियत रहती है गाड़ी में, तो पूरा हैवी गाड़ी का डाला बनता है। अगर आप हमारे कस्टमर से बात करना चाहते हैं, जो है आपके कस्टमर के नंबर हम दे रहे हैं आपको, जो ऊपर वाला नंबर है सबसे पहला वो बिट्टू जी का है, यहाँ पे आप उसे कस्टमर से पहले नंबर से आप बात कर सकते हो, कैसे उनकी गाड़ी बनी, क्या जो हम वीडियो में बता रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, वो सब आप कस्टमर से डायरेक्ट भी पूछ सकते हो। और हमें बॉडी लगाने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हो 9041144223 पर। यहाँ पर डीजल टैंक पर देख सकते हो सुंदर डिज़ाइन यहाँ पर साथ में बना हुआ है। यहाँ पे लॉक करने के लिए यहाँ पे भी आपको ऑप्शन रहती है, और दूसरा यहाँ पर देख सकते हो आप कंपनी लॉक, दूसरा यहाँ पर और तीसरा लॉक आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। गाड़ी की बैक जिसको हम बोलते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैवी की हुई है, और बालू गिट्टी मोरन के लिए हिसाब से ये गाड़ी बनी हुई है। यहाँ पर देख सकते हो आप सारा A to Z वर्क गिल ट्रक बॉडी की ओर से हुआ हुआ है, और किसी भी काम का आपको कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगेगा। यहाँ पर देख सकते हो आप गाड़ी छोड़नी है और गाड़ी को आपको ड्राइवर की रहने की फैसिलिटी यहाँ पर है, नहाने धोने खाने की सब यहाँ पर फैसिलिटी है, आपको किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। और गाड़ी के आपको बॉडी के अंदर की हम आपको एक बार वीडियो दिखाते हैं, अंदर से देख सकते हो आप। यहाँ पर जो 5 mm का यहाँ पर फर्श लगा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हो आप प्लेन साइड यहाँ पर लगी हुई है अंदर की तरफ में, और यहाँ पर देख सकते हो आप। और जो रिवेट का काम यहाँ पर हुआ है, यहाँ पर देख सकते हो 5-5 inch की दूरी पर रिवेट का काम हुआ है, और बोर्ड्स पूरी अच्छी तरह से यहाँ पर डाले हुए हैं, और ऊपर की तरफ 7 बत्ते ऊपर की तरफ यहाँ पर साथ में लगे हुए हैं, और ऊपर गोड़ी भी आपको यहाँ पर साथ में मिलेगी, स्पेयर पॉडी स्पेयर पाइप सब कुछ आपको साथ में मिलेगा, कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगेगा इसका। बैक में देख सकते हो आप चैनल्स लगे हुए हैं, साथ में कांटी डली हुई है, पूरा हैवी काम हुआ है, पाँव भी पूरे अच्छी तरह से यहाँ पर किए हुए हैं, और वेल्डिंग देख सकते हो आप पूरी अच्छी तरह से यहाँ पर वेल्डिंग की हुई है। और जो खिड़की है वो देख सकते हो आप, इस साइड से आपको 4th खाने में खिड़की मिलेगी, उस साइड से आपको 6th खाने में खिड़की मिलेगी, वो भी हम हिसाब से रखते हैं ताकि लिफ्ट टायर को कोई दिक्कत ना हो, उसके आगे और पीछे का पूरा ध्यान में रखकर हम खिड़की लगाते हैं। और यहाँ पर पीछे देख सकते हो आप कोनी वगैरह पूरी अच्छी तरह से की हुई है, बहुत ही हैवी गाड़ी का काम हुआ है, 10 gauge की साइड की चादर लगी हुई है। रात के व्यू में आप देख सकते हो यहाँ पर फ्रंट गाड़ी का ऊपर लाइट्स का काम और रेडियम काम स्टील का काम बहुत ही यहाँ पे हैवी वर्क और पूरी सफाई के साथ किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो हर एक कोना पूरी सफाई के साथ बिल्कुल फिक्स किया हुआ है गाड़ी को, और पूरी गाड़ी है वो बहुत ही प्यार से आराम से बनाई हुई है, कोई भी किसी भी तरह की जल्दबाजी काम नहीं है। यहाँ पर लाइट्स का काम बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर हुआ हुआ है। यहाँ पर देख सकते हो आप पीछे बॉडी का व्यू आप देख सकते हो, पेंट बहुत ही अच्छा मेटेलिक पेंट यहाँ पर कैबिन में हुआ हुआ है, और बॉडी पर आप देख सकते एशियन पेंट गाड़ी पर हुआ हुआ है। ऊपर आप टूल का डिज़ाइन देख सकते हो स्टील का, और रेडियम का सारा काम बना हुआ है, और अंदर आप देख सकते हो यहाँ पर कैबिन में 3D सनमाइका यहाँ पर लगा हुआ है, और यहाँ पर देख सकते हो आप जो कैबिन है 3D कैबिन रात के व्यू में आपको कैसा नजर आएगा। यहाँ पर देख सकते हो बहुत ही अच्छा लुक गाड़ी में आता है, 3D लुक देख सकते हो आप। ऊपर में देख सकते हो लाइटिंग का काम बहुत ही अच्छा यहाँ पर साथ में, यहाँ पर लाइट्स देख सकते हो, और हर एक जो भी बॉक्स है उसको लॉक करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर लॉक वगैरह सब लगे हुए हैं। और आगे की तरफ आप देख सकते हो भोलेनाथ जी के परिवार का यहाँ पर मंदिर बना हुआ है माता रानी जी का, और धूप बत्ती करने के लिए आगे सामने गिलास रहता है, मैग्नेटिक बॉक्सेस यहाँ पर देख सकते हो आप, सारा अंदर से भी आपको सनमाइका मिलेगा हर एक ढक्कन में, यहाँ पर देख सकते हो बॉक्स में आपको देख सकते हो यहाँ पर भी अंदर में सनमाइका और मैग्नेटिक बॉक्सेस यहाँ पर लगे हुए हैं, पानी पीने के लिए गिलास, और कनेक्ट साइड देखने के लिए यहाँ पर आपको ऑप्शन रहती है, उसको आप यहाँ से लॉक कर सकते हो रात के टाइम, और दिन में खोल सकते हो गाड़ी चलाएंगे। नीचे सफाई करने के लिए ऑप्शन रहती है, और यहाँ पर डबलिंग का काम देख सकते हो अंदर से भी हुआ और बाहर से भी हुआ हुआ है, और आगे सामान वगैरह रखने के लिए यहाँ पर आपको ऑप्शन रहती है, म्यूजिक सिस्टम सामने ठीक रहता है। यहाँ पर देख सकते हो लॉक करने के लिए यहाँ पर आपको टेस्को लॉक में ऑप्शन मिलती है, और चिकनी लॉक भी मिलता है, और रेलवे लॉक और लंबी चाबी वाला लॉक भी आपको वहां पे ड्राइवर साइड के ऑप्शन देख सकते हो आप। ये जो मिरर इस्तेमाल हो रहे हैं, ये डबल मिरर इस्तेमाल हो रहे हैं देख सकते हो, लेमिनेटेड मिरर, और फायर स्टॉप की ऑप्शन रहती है साथ में देख सकते हो आप। अंदर कपड़े वगैरह टांगने के लिए यहाँ पर पाइप स्पेयर पाइप रखा हुआ है, और अंदर में भी आप देख सकते हो डिजाइन बने हुए हैं। सीट कवर की क्वालिटी आप देख सकते हो बहुत ही हैवी सीट कवर, साथ में देखो पिलो मिलेगा आपको
पीछे देखो 3D डिजाइन, ट्राला डिजाइन देख सकते हो आप, उसकी ग्रेस देख सकते हो आप, पूरी चमक के साथ आपको मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हो मोबाइल चार्ज की ऑप्शन यहाँ पर रहती है, और फैन मिलेगा आपको 24 वोल्ट का 12 इंच का। यहाँ पे सोनी के स्पीकर साथ में रहते हैं, और जैसे ऊपर ये पीछे वाला जो मेन बॉक्सा होता है गाड़ी का, इसमें आप देख सकते हो जो पीछे ऊपर आप मैग्नेट बॉक्स को होल्ड कर रखते हैं और नीचे नहीं आएगा बॉक्स। और पीछे आप देख सकते हो पूरा सफाई के साथ यहाँ पर काम किया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हो आप LED लाइट्स का काम भी सारा हुआ हुआ है। कैबिन का प्रेशर हॉर्न की अगर बात करें तो यहाँ पर प्रेशर हॉर्न फिट हुआ हुआ है, और यहाँ पर सारी मीटर बॉक्स, और यहाँ पर सामने की तरफ मिरर्स लगे हुए हैं ड्राइवर और कनेक्टर साइड दोनों तरफ। यहाँ पर देख सकते हो पांव पैर बादरी यहाँ पर बनी हुई है। यहाँ पर देख सकते हो आप पूरा कैबिन पूरी सूखी लकड़ी का इस्तेमाल हुआ हुआ है। यहाँ पर देखो सारा काम, और जो वाइपर मशीन है वो नीचे फिट की हुई है। यहाँ पर देखो नट बोल्ट्स का काम किया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हो आप, तो बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा किसी को भी वाइपर मशीन कहाँ फिट की हुई है। यहाँ पर देखो अगर हमें आप ऐसा कैबिन बनाना है नई और पुरानी गाड़ी का, तो हमारे नीचे दिए नंबर पर संपर्क करें 9041144223। पर देख सकते हो जो चौचक्का बिहार की गाड़ी है उसका हम कांटा करवा रहे हैं, देख सकते हो SP धर्म कांटा पर, और सामने हमारी वर्कशॉप है गिल्ट्रक बॉडी, और इस यहाँ पर आप देख सकते हो लाइंस का पेट्रोल पंप है, और सामने ही कांटा है। यहाँ पर देख सकते हो गाड़ी कांटे पर अभी आ रही है। तेरा 930 चार चार कमानी पीछे और फुल ओवरलोड बॉडी, प्रेशर हॉर्न, म्यूजिक सिस्टम, हेडलाइट, पंखा, सीट कवर्स, ये सब कुछ हम आपको गाड़ी के साथ लगा कर देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक जरूर दबाएं, और साथ में हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हमारी जो वर्कशॉप पड़ती है वो पंजाब में पड़ती है, डिस्ट्रिक्ट पटियाला सिटी समाना में। और नई नई गाड़ियों की बॉडी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और BS6 गाड़ी के रिव्यू जल्दी आने वाले हैं, वो भी आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए तो आपको वो भी देखने को मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।